आखिर एक इंडियन मूवी कारण लोग आखिर जर्मनी को बायकॉट क्यों करने लगे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सैड भी, तो वीडियो को जरूर देखना। वैसे के लिए हम लोग इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो हम लोग अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं। मान लो आप पापा का जर्मनी में जॉब हो जाता है और तभी आपका जन्म होता है और आप आपके पेरेंट्स से छीन लिया जाता है और उसे जर्मन सरकार ने अपने कस्टडी में ले लेता है, तो आपके फैमिली पे कैसा बीतेगा। तो यही हाल हुआ जर्मन में, एक पेरेंट्स आर्या की बेबी को जर्मन पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया, जिसके लिए वो सरकार से काफी ज्यादा गुहार लगाई कि मुझे अपनी बेटी को वापस चाहिए। और इसी पे एक मूवी बन रही है, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसका स्टोरी कोइंसाइड कर जाता है। जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ लोगों ने देखा और लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं, जिसके कारण जर्मनी को लोग बायकॉट करना शुरू कर दिया, #जर्मनी बायकॉट ट्रेंड करने लगा। आपका क्या विचार है इस टॉपिक पे? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।